हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए हैं। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीन है जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए हैं। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीन है जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए